हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप बताइए मुझे, आपको मेरा जो पहला ब्लॉग है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह मैं आपके लिए ब्लॉग लाती रहूँगी, आपको बताया भी था। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग पे चलते हैं कि किस तरह से मैं आपको अपनी वीडियो दिखाने जा रही हूँ, किस तरह से मेरा रूटीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने इसमें बताया है कि बच्चे की मसाज किस तरह से करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो उसे मसाज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकता है, उसकी केयर जो करनी होती है वो हमें ही करनी होती है। तो देखते चलिए कि किस तरह से बच्चे को मसाज दी जाती है, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा वो। तो कीप वॉचिंग। किस तरह से करनी चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले इस नेक से स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह से आपको ऑयल लेना है, इस तरह से इसकी मसाज करनी होती है। पहले हम दोनों लेग्स की मसाज कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे, दोनों लेग्स की। मेरा ये बेबी जो है ये तो मसाज कराने में काफ़ी इंजॉय करता है, इसे काफ़ी अच्छा लगता है, ये रोता भी नहीं है, इसे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इसके लेग्स पे मसाज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये फुल एंजॉय करता है। बाकी इस तरह से जब हम लेग्स की मसाज कर लेते हैं तो हम इसके चेस्ट की मसाज कर सकते हैं या इसके हैंड्स की मसाज कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें मसाज करनी है, इस तरह से हमें इसकी मसाज करनी होती है। ये स्माइल करता रहता है देखते देखते। आप सुन ही सकते हैं कि कितना एंजॉय ये करता है मसाज करते में। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ही रोता हो, मोस्टली बच्चे रोते भी हैं मसाज कराने में। तो इस तरह से मसाज कीजिए कि बच्चे को हर्ट भी ना हो और वो मसाज को एंजॉय करे। ये नहीं है पूरे टाइम वो रोता रहे और आप मसाज करते जा रहे हैं। तो मसाज अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद आप हैंड पे मसाज कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि जो मसल्स हैं वो मजबूत बनती हैं और जो चलना सीखते हैं ना बच्चे, वो जल्दी से चलना सीख जाते हैं। तो डेली मसाज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप दिन में दो बार भी मसाज कर सकते हैं, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चा 5 मंथ या 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद ना वो घुटनों के बल चलना सीखता है, यानी क्रॉलिंग करना सीख जाता है वो। तो मोस्टली बच्चे तो चलने लग जाते हैं, कुछ एक्सपेक्ट जो अलग होते हैं वो नहीं चल पाते। बट अगर आप सही तरीके से मसाज देते रहेंगे बच्चे को तो वो जल्दी ही घुटनों के बल चलना सीख जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही वो खड़े होकर चलना सीखता है। तो जब तक वो घुटनों के बल नहीं सीखेगा तब तक वो चलना भी नहीं सीख पाएगा। तो अगर आप बच्चे को जल्दी ही चलना सिखाना चाहते हैं तो उसकी मसाज प्रॉपरली डेली कीजिए, हो सके तो दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसकी पीठ की मसाज भी करनी होती है, किस तरह से मसाज की जाती है। तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं इसका, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़े तो हैंड टाइट रखने चाहिए जिससे कि प्रॉपर इसका जो शरीर है वो खुल सके। इसी से इसकी हेल्थ बनती है, आगे तक के लिए ये काम में आता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब तक के लिए। और इससे इसे ना एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट में दर्द वगैरह ना हो तो उसे ऐसे इस तरह से लेटा के मसाज ज़रूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनकी गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी आप उसके हेड की मसाज भी कर सकते हैं जिससे कि उसे रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से उसकी हेड मसाज ज़रूर कीजिए,
इससे ब्रेन जो है उसका स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो दिमाग, ये जो है ये इनका ना, ये थोड़ी देर में बन पाता है, ये पोर्शन जो होता है हड्डियाँ जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे मसाज कीजिए ऑयल की, ऑयल मसाज भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, जिससे इसे रिलैक्स फील होगा और ये खेलने में भी मज़े लेगा, खेलने में भी बच्चे को अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं ये तो रोता नहीं है मसाज कराने में, काफ़ी इंजॉय करता है। बाकी अब बताते हैं एक्सरसाइज, तो बच्चे को एक्सरसाइज भी देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज किस तरह से करा सकते हैं, इस तरह से आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मिनिमम 10 टाइम तो आपको करानी ही चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फेस मसाज भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, लेकिन फेस मसाज करने का एक तरीका है कि आप किस तरह से करते हैं, बच्चे के नीचे साइड नहीं, ठीक है, ऊपर साइड इस तरह से मसाज करनी चाहिए, ऊपर की साइड इसको लेना चाहिए, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको मसाज करनी चाहिए, जिससे कि ये जो इसके चीक्स होते हैं ये लटकते नहीं हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर इससे हल्के हल्के से कर देनी चाहिए, बच्चे को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, वरना वो एंजॉय नहीं कर पाएगा अपनी मसाज को। अगर वो इरिटेट होने लगेगा तो फिर वो रोने लगेगा, आपके साथ बैठेगा भी नहीं, फिर आपको उसे मसाज से हटाना ही होगा। आप देख सकते हैं अब ये उठ चुका है एंड फुल मूड में ये उठा है। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, उठते ही से मस्ती करनी होती है। सबसे पहले तो ये मेरे को ढूंढता है कि मैं कहाँ पे गई हूँ, तो ये अब भी देख रहा है, आप देख सकते हैं इसे, अभी इसे इधर उधर इधर उधर थोड़ी सी देर देखेगा, फिर अपने गेम में लग जाएगा। जो भी इसे खेल खेलना होता है वो खेलता रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है, रोना इसे होता ही नहीं है, बाकी इन्जॉय करता रहता है। आप देख सकते हैं इसकी स्माइल किस तरह से की। से चली गई थी तो इसने फटाफट से रोना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा इसने वापस से हंसना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए कि किस तरह से ये मुस्कुरा रहा है। तो इसका यही रहता है जब तक मैं इसके पास रहती हूँ, जब तक तो ये खेलता रहता है, बाकी फिर ये देखने लग जाता है इधर उधर, अगर मैं इसे दिखाई नहीं देती तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो
फ्रेंड्स बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहिए, या मेरा ब्लॉग क्या होना चाहिए, किसके ऊपर मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।